जी तो गाइस आई होप यू डूइंग वेल, आई एम आल्सो गुड। इस्लाम किया मैंने, ओ अस्सलाम वालेकुम जी। थंबनेल ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ लिया है, सो मैं उसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। फाइनली द वेट इज ओवर, जिस चीज का मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया है और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं एक जगह के लिए। ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करूंगा प्रॉपर। जब हम लोग पहुंचेंगे उधर एक स्पेसिफिक प्लेस पे, फिर आप लोग आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग ऑन दिस नोट। कपड़े चेंज कर लूं फिर निकलते हैं। ले जी, हम लोग शोरूम के लिए निकल रहे हैं, तो आपको मैं उधर ही मिलता हूँ। तो भाई हम लोग फाइनली गाड़ी लेने आ गए हैं, सीट कितना आ गए हैं इस टाइम, थोड़ा वेटिंग एरिया में बैठे हुए हम लोग। लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी डिलीवरी में मिल जाएगी। देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेट है, वो आ जाए फिर हम इंशाल्लाह अपनी गाड़ी रिसीव करेंगे। और यहाँ पे ये सर गाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। काइंडली अपना नाम वगैरह और डीलरशिप का नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम बिलावल आफ्ताब है, डीलरशिप का नेम है जोटा गार्डन मोटर्स। ओके जी सर, गाड़ी हमारी रेडी होगी? हाँ जी रेडी है। सर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? सर गेट पास का वेट कर रहे हैं, आपको भी गाड़ी हैंड ओवर कर। सही, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो गेट पास का यार अभी वेट हो रहा है, वो आता है फिर इंशाल्लाह हम लोग रिसीव करते हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी यारिस 1.3 एटिव सीवीटी है, 1.3 का टॉप वेरिएंट है ये। बाकी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ इसका प्रॉपर, बस एक दफ़ा ये फाइनल टचअप दे रहे हैं फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो। तो जी अभी पंप पे रुके हुए हैं और फुल करवाया हमने और देखते हैं कितने का डलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी हमें रिसीव हो गई है और ये 1.3 का बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है विच इज कॉल्ड 80 CVT। अभी मैं इसका प्रॉपर एक रिव्यू बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग एक जैसे कहना चाहिए वॉक अराउंड वो देख लें कैसी दिखती है ये। बाबा भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेट्स सी कितने की टंकी फुल होती है इसकी। तो यार हम शोरूम से लेके हम डायरेक्ट यहाँ पे टायर चेंज करवाने आ गए हैं गाड़ी के, और ये आप लोग देख सकते हैं क्योंकि टायर एक ऐसा एसिड है जिस पे रिस्क लेना नहीं चाहिए और इस पे जनरल के टायर आते हैं। सो अभी हम इसमें जो है वो योकोहामा के टायर चलवा रहे हैं, ये जो पड़े हुए हैं इम्पोर्टेड टायर है। तो हम लोग अभी इस टाइम फैसल टाउन में हैं चैम्पियन ट्रेडर्स पे, यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग घर भी नहीं गए दिखाने गाड़ी, सीधा इधर ही लेके आ गए हैं, टायर चेंज करवा रहे हैं, देन हम लोग चलेंगे घर उसके बाद। ये जी गाड़ी है,
और उसके अभी वहाँ पे टायर चेंज हो रहे हैं। तो भाई ये योकोहामा का टायर यार डल गया, यहाँ पे दोनों डल गए हैं, ये डल गए हैं दो, और इस तरफ क्या एक लग रहा है, एक का व्हील बैलेंस हो रहा है वहाँ पे। ये फाइनली टायर से डल गए हैं, अब यहाँ से इसको लेके निकलते हैं बस हम। तो जी ये मेन चैम्पियन ट्रेडर्स है, मेन फैसल रोड के ऊपर ही है। फैसल टाउन में आप जैसे आएंगे बच्चों क्रॉस करके, तो आपके लेफ्ट साइड पे ये चैम्पियन ट्रेडर्स है। ये फाइनली यार गाड़ी हम लोग ले आए हैं और बाबा आते साथ ही ऑफिस चले गए हैं, और गाड़ी भी बस हमने अनरैप कर ली है प्रॉपर। ये खड़ी है गाड़ी एज यू कैन सी। यार इसका मैं प्रॉपर एक डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं इसको एक्सपीरियंस कर लूँ, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऑथेंटिक वर्ड लेके आ सकूँ कि व्हाट इज़ दिस कार अबाउट, ये गाड़ी क्या है। मैं बिकॉज आई एम लवर ऑफ कार, सो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत आप लोगों के लिए वर्डिंग लेके आऊँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको चलाऊँगा पहले, एक्सपीरियंस करूँगा इसको, फिर अच्छा सा आपको व्लॉग लेके आऊँगा, डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम शाम करवाना पड़ेगा इस पर, थोड़ा इस पर टेस्ट आउट लेने पड़ेंगे, इसकी ड्राइव आउट लेनी पड़ेंगी काफ़ी ज़्यादा। इसको लॉन्ग पे टेस्ट अभी करना है मैंने, कुछ दिनों बाद मैं ज़रा लॉन्ग पे भी इसको लेके जाऊँगा। टायर इसके डलवा लिया मैंने, इसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन का मैं वर्किंग शुरू करूँगा कुछ अर्से बाद, अभी चूँकि मुहर्रम चल रहा है, सो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह मैं इसकी प्रॉपर वर्किंग मॉडिफिकेशन पर शुरू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर किसी को, हर इंसान को ये दिन दिखाए कि वो अपनी गाड़ी नई गाड़ी ले इंशाल्लाह। लेकिन जो आजकल हालात चल रहे हैं प्राइसेस के, इतनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा हो रही हैं एक्सट्रीमली। ये गाड़ी अभी रिसेंटली 45 लाख टच कर चुकी है, कितनी ऊपर जाएगी, डॉलर फ्लक्चुएशन कितनी होगी, रुपये डिवैल्यू होता जा रहा है, गाड़ियाँ ऊपर जाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आई होप आने वाले दिनों में डॉलर नीचे आएगा, मज़ीद नीचे आएगा इंशाल्लाह, और इनकी प्राइसेस भी ड्रॉप आउट होंगी। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑब्वियसली बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा कि आपको मेरी अगली आने वाली नोटिफिकेशन का पता लग जाए, और बस ये कबूतर बीटे ना कर दें ऊपर जो मुझे लग रहा करेंगे। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप इस तरह की कोई और डिटेल रिव्यू चाहते हैं, इसका कोई टेस्ट चाहते हैं इसका, क्या मैं वो करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो राइट डाउन नीचे रिकमेंड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका मैं क्या क्या फीचर टेस्ट करके दिखा सकता हूँ आपको, क्या क्या इस पर मैं रिव्यू और बना सकता हूँ। ऑब्वियसली डिटेल रिव्यू तो आएगा, लेकिन उसके बाद और अगर आप किसी डिफरेंट टाइप का रिव्यू चाहते हैं, तो आप मुझे राइट डाउन इन डॉक्यूमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, मैं वो इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।